हेलो फ्रेंड्स, आज कुक विथ मी के किचन में बन रहा है पनीर और आलू का मसालेदार सब, वो भी बिना लहसुन प्याज का। तो आज से नवरात्रि चल रहा है, तो हमने बिना लहसुन प्याज का पनीर और आलू का मसालेदार सब्जी बनाकर तैयार। तो आप इसका ग्रेवी का भी टेक्सचर देखिए, लग ही नहीं रहा है कि बिना लहसुन प्याज का बना है। आप इसे उपवास में भी खा सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बिना लहसुन प्याज के पनीर और आलू की मसालेदार सब्जी। बिना लहसुन प्याज का पनीर और आलू का मसालेदार सब्जी बनाने के लिए हमने 300 ग्राम पनीर ले लिया है। ये हमारा घर का पनीर है, आप चाहे तो मार्केट का यूज कर सकते हैं। इसे हमने छोटे छोटे क्यूब में कट कर लिया। ये हमने 4 मीडियम साइज़ के आलू को बॉयल कर लिया है, इसे 2 और 4 टुकड़े में कट कर लिया है बड़ा बड़ा पीसेस में। 2 टमाटर को हमने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। 1 से 2 इंच अदरक का हमने पेस्ट बना लिया है। एक बाउल में हम कुछ पाउडर मसाले निकाल लेते हैं। 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। हमने सारा का मेज़रमेंट घर के चम्मच से किया है, ये सबके घरों में अवेलेबल होता है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर और इसका स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने तैयार कर लिया है। ये करने से हमारा सब्जी मसालेदार बनता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। तड़के के लिए हमने लिया है 4 खड़े लाल मिर्च, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च, 3 से 4 तेज़पत्ता। तो गैस पर रखेंगे एक नॉनस्टिक पैन। तो 60 ml के कप से 1 कप हमने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल ना यूज करें क्योंकि ये फास्टिंग के लिए बना रहे हैं हम। तो आधा हम रिफाइन ऑयल इसमें डाल देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो अब हम सारे पनीर को इसमें डालकर सैलो फ्राई कर लेते हैं। इसे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करें, बस सैलो फ्राई कर लें। तो हाई फ्लेम पे चलाते हुए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट में हमारा पनीर सैलो फ्राई हो गया है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। सारे पनीर को आप निकाल लें। अब इसी ऑयल में हम आलू को भी फ्राई कर लेते हैं। तो आलू को आप अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लें हाई फ्लेम पे। 6 से 7 मिनट हो गया है, तो आलू को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिए हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं, फ्लेम को लो कर देते हैं। अब जो हम इसमें रिफाइंड ऑयल बचाए थे वो सारा रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब तड़के के लिए जो निकाल के रखे थे वो सारा डाल देंगे इसमें। इसे अच्छे से सौटे कर फ्लेम को लो रखेंगे। हमने इसे अच्छे से सौटे कर लिया। अब कटे हुए टमाटर और अदरक का पेस्ट डाल देंगे इसमें, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आप चाहे तो टमाटर का प्यूरी बना लें। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, जो डेली हम यूज़ करते हैं नमक, ये वो नमक नहीं है, ये सांभर नमक है। जब भी आप फास्टिंग के लिए सब्जी बनाएं या बिना लहसुन प्याज का बनाएं तो इसी नमक का इस्तेमाल करें, मार्केट में ये आसानी से मिल जाता है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें और 2 मिनट तक ढक के इसे पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। 2 मिनट हो गया है, हम चेक कर लेते हैं। टमाटर हमारा थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, तो जो मसाले को हमने पानी में डालकर मिक्स किया था वो सारा मसाला इसमें डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करें। तो इसमें हमारा पाउडर मसाला लगा था, तो इसमें थोड़ा सा हमने पानी ले लिया है, इसे भी डाल देंगे। अब इसे हम ढक के 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। 2 से 3 मिनट हो गया है, तो हम चेक कर लेते हैं।
तो सारा मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, ऑयल भी चारों तरफ से बाहर दिख रहा है, तो हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें हम आलू फ्राई किया हुआ डाल देते हैं सारा, और इसे अच्छे से मिक्स कर लें और 2 मिनट तक इसे भी अच्छे से फ्राई कर लें। 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हमने इसे फ्राई कर लिया है आलू को, अच्छे से चला लें। अब इसमें से हम 3-4 आलू को तोड़ देंगे, इससे हमारा मसालेदार सब्जी बनकर तैयार होता है और ग्रेवी भी अच्छा तैयार हो जाता है। तो 3-4 आलू को हम तोड़ देंगे इसी में से। तो ये हमने 3-4 आलू को यहाँ पे तोड़ दिया है। अब इसमें फ्राई किया हुआ पनीर डाल देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। सारा चीज़ को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसमें हम 240 ml के कप से 1 कप पानी डालेंगे। अच्छे से सारा मसाला मिक्स हो जाए और मसालेदार बनने के लिए हम पानी डाल दिए हैं इसमें। अब इसे हम ढक के मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। तो 3 से 4 मिनट तक हमने अच्छे से पका लिया है इसे। तो बिना लहसुन प्याज का पनीर और आलू का मसालेदार सब्जी बनकर तैयार हो गया है। तो अब इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये हमने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। तो इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, ये देखिए, लग ही नहीं रहा है कि बिना लहसुन प्याज का बना हुआ है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें बिना लहसुन प्याज का पनीर और आलू की मसालेदार सब्जी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।